रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया पे जो न्यूज़ आया जिसमें यूजीसी का जो प्लान था नीट जेई और सीयूईटी को मर्ज करने का, उसको लेके काफ़ी लोग कंसर्न है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर यूजीसी मर्ज कर देता है तीनों एग्जाम्स को, और ये कब से इम्प्लीमेंट हो सकता है अगर होगा भी तो, एंड द थर्ड थिंग इज उसका स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज लाना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में। आप स्किप मत करना कुछ भी पार्ट, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि CUET एग्जाम है क्या। ये CUET जो टर्म है 2022 में दी गई है, उससे पहले इस एग्जाम का जो नाम था दैट वाज CUCET। CUCET का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और CUET का मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये चेंज क्यों लेके आया गया इसमें, देखो पहले जो CUCET था उसके थ्रू एडमिशन्स केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मिलते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड हैं वो सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आती है, जैसे हमारा DU और बहुत सारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ जो आती हैं इसमें। सो UGC का जो प्लान है वो ये है कि फ्यूचर में ना कि केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और इवन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो भी CUET के स्कोर को यूज़ करेंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। दैट इज़ द प्लान। इसलिए ना कि सेंट्रल, अभी सेंट्रल की जगह ओनली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका नाम दे दिया है। CUET NTA कंडक्ट करता है, और जो कि 2022 में इसके फॉर्म्स अप्रैल में निकले थे और जुलाई में एग्जाम हुआ था इसका। CUET में 11th और 12th दोनों का पोर्शन कवर नहीं किया जाता, केवल 12th से क्वेश्चन आते हैं, ओके, और वो भी केवल NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। CUET के एग्जाम में जो एग्जाम पैटर्न है, देर आर 3 सेक्शंस। पहला सेक्शन लैंग्वेज का सेक्शन है, दूसरा सेक्शन डोमेन स्पेसिफिक, मतलब कि अगर आप नॉन मेडिकल से हैं तो PCM, ओके, सो दैट सेकंड सेक्शन इज डोमेन स्पेसिफिक। थर्ड सेक्शन जो कि जनरल टेस्ट है, नीट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज के लिए है, JEE मेंस इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए है, और जो CUET है वो साइंस ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में डिग्री कोर्सेज के लिए है। अभी एक्चुअली UGC का जो थॉट था वो ये था कि सेम नॉलेज बेस्ड है तो अलग अलग एग्जाम क्यों ले। सो पहली चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी कि तीनों एग्जाम सेम नॉलेज बेस्ड नहीं है। जो CUET वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो JEE मेंस के क्वेश्चंस को टच नहीं कर सकते, और इवन जो हमारा नीट है और जो JEE मेंस है उसके लेवल में भी काफ़ी डिफरेंस रहता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री इफ़ यू कंपेयर ऑफ JEE मेंस एंड नीट, देर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि नीट में आपका टेस्ट किया जाता है स्पीड और एक्यूरेसी, ये चीज़ टेस्ट की जाती है। ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन नीट में नहीं पूछे जाते, लेकिन JEE मेन में टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं थोड़े, ओके। सो और एक और चीज़ कि भाई CUET में तो केवल 12th का सिलेबस आता है, JEE मेंस में और नीट में तो 11th 12th दोनों का कवर किया जाता है। तो अगर आप ये समझो कि भाई CUET जो एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं क्या वो नीट और मेंस लेवल वाला एग्जाम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रपोजल है ये अभी फाइनल नहीं है, ये केवल प्रपोजल है, तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट होने वाला नहीं है। ऑलमोस्ट यू कैन से मोर देन 90% चांसेस हैं कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट होगा ही नहीं। और अगर मान लो कि ये आगे इम्प्लीमेंट हो तो एटलीस्ट 2023 में तो कुछ होने वाला नहीं है, काफ़ी सारे स्टे लगेंगे, और जो IITs हैं और NITs हैं वो इसको नहीं होने देंगी। और लेटेस्ट एक सपोज कि यू नो 1% चांस कि इम्प्लीमेंट हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट रहेगा। देखो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो JEE एडवांस वाला जो टेस्ट है वो तो अलग ही रहने वाला है, ओके। सो जो लोग IITs में एंटर करना चाहते हैं उनको तो एडवांस का एग्जाम देना ही होगा, और एडवांस का लेवल तो वही रहेगा, ठीक है। उसके लिए कह सकते हो कि JEE मेन का अभी एग्जाम हो रहा था, अभी CUET का उनको एग्जाम देना पड़ेगा, इतना चेंज आएगा केवल उसमें, ठीक है। सो CUET का एक तरीके से पहला एंट्रेंस उनका रहेगा, एंड देन आफ्टर दैट दे हैव टू गिव JEE एडवांस। तो JEE एडवांस के लिए प्रिपरेशन लेवल तो वही रहेगा, तो उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, आपको उसी इंटेंसिटी से और उसी लेवल के एफर्ट्स के साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये है कि जो CUET है वो थोड़ा और यू नो उसमें केवल 12th के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा 12th पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो एनीवेज जो IITs के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा एज पर द JEE एडवांस एग्जाम। जहाँ तक CUET की बात है वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यू नो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि भाई वो स्टूडेंट्स जो केवल 12th का प्रिपेयर करके और जो CUET वाला जो लेवल है उसका जो एग्ज़ाम देते थे वो JEE मेंस लेवल वाले यू नो टेस्ट को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। यू सी लाइक द लेवल ऑफ CUET इज़ हेयर एंड देन द लेवल ऑफ नीट इज़ देयर एंड देन द लेवल ऑफ JEE मेन इज़ देयर, ओके। सो ये तो चांसेस कहीं से भी नहीं है कि वो सेम स्टूडेंट JEE मेंस लेवल वाला एग्जाम दे पाएंगे। तो ये जो प्रपोजल था कि भाई वन एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, सेम नॉलेज बेस्ड है, तो ये पॉइंट तो इनका डिफीट हो जाएगा। और देखो ये एक प्रपोजल है, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया तो इसका मतलब इंप्लीमेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अ प्रपोजल फॉर नाउ।
अभी प्रपोजल है इस पे, यू नो डिस्कशन चलेगा, और आईआईटीज और एनआईटीज फॉर श्योर इस चीज के लिए एग्री होने वाली नहीं है, ठीक है। और मान लो कि एग्री हो भी जाती है, तो जो स्टूडेंट्स जेई मेन्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो सीयूईटी का दे ही सकते हैं भाई, तो सीयूईटी का तो एग्जाम जेई मेन्स से सिंपल है, तो उनको तो कोई इंपैक्ट होने वाला नहीं है। और जो जेई एडवांस लेवल वाले एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो वो वाला एग्जाम देना ही पड़ेगा फिर भी, ठीक है। जेई एडवांस वाला एग्जाम तो मर्ज होने वाला नहीं है, जेई मेन वाला मर्ज होगा होगा तो वो भी ठीक है, वो भी श्योर नहीं है। और 2023 और मैं कहूंगा कि 2024 तक भी कुछ नहीं होने वाला है ऐसा चेंज, ओके। सो इसको लेके कोई कंसर्न नहीं आपको रेज करना चाहिए कि भैया जेई आईआईटी का एग्जाम ही खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा यार। इंडिया के लिए जो आईआईटीज जो कॉलेज हैं यू नो उनका नाम बहुत है, और इवन आप इंडिया से बाहर भी जाएंगे तो आईआईटीज का एग्जाम जाना जाता है कि टफेस्ट इंजीनियरिंग एग्जाम है आईआईटीज का, तो उसको ये तो भूल ही जाओ कि वो कभी यू नो खत्म होने वाला है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो मेरे को नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ये जो प्रपोजल है हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को, और अगर मान लो कि हो भी जाता है तो देर वुड नॉट बी एनी डिसएडवांटेज जो कि आईटीज के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो उनके लिए, ओके। आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।